गाइस, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं डब्ल्यू से रिलेटेड। रोमर रेंज क्या बैड ब्लड में आ सकते हैं, उससे भी कुछ अपडेट आई है। ओडिसी जोन्स को क्यों फायर किया गया है, क्यों निकाला गया, उसके रिलेटेड भी अपडेट आ चुकी है। एंड गाइस, हमारे स्मैकडाउन की व्यूशिप चल चुकी है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड हुल्क होगन ने लोगन पॉल को कुछ कहा है, एडवाइस दी है, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है हुल्क होगन से। तो हुल्क होगन आए थे गाइस हमारे लोगन पॉल के पॉडकास्ट में, तो आपको पता लोगन पॉल है पॉडकास्ट। और तो और लोगन पॉल ने पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया हुआ है, सबको बुला चुके हैं। रैंडी ऑर्टन भी आते हैं, तो गाइस इज अ गुड यूट्यूबर एंड आपको पता रेसलर तो है ही है। तो लोगन पॉल को आगे हमारे होगन कहते हैं कि तू फेस बन जा, डब्ल्यू का सबसे टॉप फेस बन, बिकॉज द रीजन रोमन रेंज की स्टोरी लाइन चल रही है एंड रोमन रेंज इज राइट नाउ अ बेबी फेस लाइक वर्क, आई थिंक एंटी हीरो टाइप वर्क। एंड उन्होंने कहा कि तू जाके रोमरे की हेल्प कर। ये तो वही चीज होगी कि रोमरे ने किसी हेल्प मांगी नहीं, तो भाई ये चीज कही है हुल्क होगन ने, लोगन पॉल को जाके हेल्प कर दे रोमर रेंज की, एंड जिससे कि तू बेबी फेस बन जाएगा, डब्ल्यू का सबसे टॉप बेबी फेस, जहाँ पे कोडी रोड बैठा है वहां पे तू आ जाएगा। तो ये चीज कही है लोगन पॉल को, हमारे एडवाइस दी है हुल्क होगन ने। एंड हुल्क होगन इज द बिगेस्ट सुपर स्टार ऑफ डब्ल्यू, आपको पता ही होगा हुल्क होगन ने उस टाइम पर डब्ल्यू को उस लेवल पे लेके गए थे जब डब्ल्यू को कोई जानता नहीं था। एंड हुल्क होगन इज अ इमोर्टल पर्सन, लाइक उनका करेक्टर ऐसा बनाया गया था इमोर्टल है। और गाइस आपको पता होगा हुल्क होगन उस टाइम के सबसे ज्यादा पुशेबल रेसलर थे, जिन्हें इतना पुश दिया गया था ना, जो नेक्स्ट लेवल था। तो उन्होंने ये एडवाइस दी है लोगन पॉल को, एंड लोगन पॉल देखो इस एडवाइस को करते हैं या नहीं करते। बाकी मुझे लगता है लोगन पॉल एलन नाइट के लिए आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो आई थिंक उसके लिए हमारे एलन नाइट आएंगे, सॉरी हमारे लोगन पॉल आएंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी ओडिसी जोन से। तो ओडिसी जोन का पिछड़ा पता चल चुका है, क्या है, क्यों उन्हें निकाला गया, क्यों फायर किया गया, बिकॉज द रीजन फायर फॉर सिलेक्शन ने ये कहा है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस में फंस चुके हैं। लाइक आपको पता होगा निकी बेला का भी आया था थोड़े टाइम पहले, अब वो डब्ल्यू में है नहीं, सो उनका भी आया था कि उनका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है अपने हस्बैंड के साथ। वही सेम चीज़ हमारे ओडिसी जोन्स पे एलिगेशन लगे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में हिस्सा कर चुके हैं अपने, मतलब पता है घर में की घर नहीं घर में उन्होंने अपनी बीवी के साथ मारपीट की, तो वो चीज़ के कारण उन्हें फायर किया गया है। एंड आपको ये जो सोच के चीज़ ज़रा नहीं होगी कि ये उन पर एलिगेशन लगे हैं जिसके कारण उन्हें फायर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अब देखो यार हमें नहीं पता, बाकी दिस इज़ अ र्यूमर अपडेट्स कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो दिस इज़ यूएसए मैटर, इंडिया में मैटर नहीं है, लेकिन ये गलत चीज़ है, तो इसलिए डब्ल्यू ने शायद कर दिया और फायर, बिकॉज डब्ल्यू अपना नाम नहीं खराब करना चाहती। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गाइस 2.2 मिलियन, 2.3 मिलियन हमारा लास्ट शो वो भी 2.2 के अराउंड ही रहा है, तो इस अराउंड रही है। अब तो स्मैकडाउन यूएसए में आने वाली है, तो देखो फिर कितनी व्यूअरशिप आती है स्मैकडाउन पे। एंड मंडे नाइट रॉ से लेकर बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, मंडे नाइट रॉ पे जो फैंस करते हैं ना कर्स जैसे, मतलब गलत चीज़ें करते हैं, तो उसी को लेकर मीटिंग थी मंडे नाइट रॉ से पहले। तो गाइस डिसाइड किया जब तक नेटफ्लिक्स पे रॉ नहीं जाती तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई ऐसे फैंस ना करें चीज़ें जो गलत हो, बिकॉज स्टिल पीजी शो इन यूएसए, नॉट 18+ शो, दिस इज स्टिल पीजी शो। ट्रिपल आई का कहना है दिस इज स्टिल पीजी शो, दैट्स व्हाई डोंट एवर यूज 18+ वर्ड, डोंट एवर यूज 18+ थिंग इन पीजी शो। और ये चीज़ें नेटफ्लिक्स, आई थिंक इफ नेटफ्लिक्स पे जाती है तो फिर आपको 18+ चीज़ें देखने को मिलेगी, बट आई डोंट थिंक सो उस लेवल पे जाते दिखेंगी, दैट्स लेवल नॉट गो, लाइक वो बल्गर लेवल पे ज्यादा दिख जाए, AEW करते वो AEW करेगी, बिकॉज बच्चे भी देखते हैं। तो गाइस राइट नाउ नेक्स्ट अपडेट इज कोडी रोड्स रेन 150 डे रेन, एंड राइट नाउ कोडी रोड्स का 150 डे का रेन हो चुका है, एंड कोडी रोड्स ने 150 दिन पूरे कर लिए हैं रेन के दौरान। एंड राइट नाउ कैन यू इमेजिन कि आगे इतना रेन बोरिंग रहा है, तो आगे कितना रेन बोरिंग होता है, और उनको कोई या बेस्ट स्टोरी लाइन मिलनी चाहिए। आई थिंक इट डिजर्व अ बेस्ट स्टोरी लाइन लाइक रोमन रेंज एंड रॉक, आई थिंक द फाइनल बॉस आने चाहिए जिससे उनकी स्टोरी लाइन चले। आई थिंक इज अ बेटर फॉर स्टोरी लाइन इफ द फाइनल बॉस इज कम देन द विजिटिंग रेसलिंग इंडस्ट्री एंड रेवोल्यूशन, मतलब वो चीज़ होना तो वो है स्टोरी लाइन में मज़ा आए। तो आई थिंक 150 डे हो चुके हैं, उन्होंने डिफेंड किया अपने टाइटल अगेंस्ट लोगन पॉल, बॉस सुपर स्टाइल में सोलो से हुआ, तो देखो गाइस बाकी नेक्स्ट रोमन या नेक्स्ट जॉन सिना बनाना चाहती है डब्ल्यू कोडी रोड्स को, तो चलेगा जो होता है।
दिस इज द फाइनल अपडेट अस। तो गाइस फाइनल अपडेट ये है कि रोमर रेंज क्या बैड ब्लड में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो नहीं लगता यार रोमर रेंज बैड ब्लड में होंगे, बिकॉज द रीजन रोमर रेंज इज गो टू नेटफ्लिक्स रॉ एंड सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन, तो वहाँ पे आ सकते हैं। बैड ब्लड आई थिंक लग नहीं रहा क्योंकि क्या डब्ल्यू एडवर्टाइज नहीं करके डजंट एडवर्टाइज रोमर रेंज एट बैड ब्लड, बिकॉज द रीजन यह सिचुएशन है कि रोमर रेंज को नहीं किया जा रहा बैड ब्लड में, मतलब हाँ कि कोडी रोड्स को किया जा रहा है, कोडी रोड्स के होम टाइम टाउन में बैड ब्लड, कोडी रोड्स के होम टाउन में, एंड वो एडवर्टाइज वही आई थिंक मेन इवेंट करेंगे। एंड मुझे लगता है रूम में जाएंगे, अगर आते हैं तो यार वो मुझे लगता है उस लेवल पर कोई चीज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ रीज़न कोडी रोड्स रोमर रेंज एंड हमारे सोलो को रॉ के लिए रखा जा रहा है, आई थिंक सीजन प्रीमियर के रखा जा रहा है। तो देखो यार स्मैकडाउन होने वाली वहाँ पे पता चल जाएगा आपको होता है नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता कि बैड ब्लड में रोमन जाएंगे। अगर आएंगे तो मैच रिहर्सल नहीं करेंगे, एंड मैच रिहर्सल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज अपडेट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।